फीस वृद्धि को लेकर निजी स्कूलों की ओर से की जा रही मनमानी को लेकर छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश की ओर से आज विधानसभा का घेराव किया गया। इस मौके पर संघ सदस्यों ने पहले पंचायत भवन से विधानसभा तक रैली निकाली और घेराव किया। संघ ने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए। बड़ी हुई फीस है, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। ये निजी स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ। छात्र अभिभावक मंच ने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाया जाए। कोई भी सरकार जो है पिछले काफी समय से निजी स्कूलों को संचालित नहीं कर पाई है। जो निजी कॉलेज हैं हिमाचल के अंदर, जो निजी विश्वविद्यालय हैं हिमाचल के अंदर, उनके लिए एक रेगुलेटरी कमीशन बन चुका है 2010 में, आज से 11 साल पहले। लेकिन निजी स्कूलों के लिए नहीं बनता है रेगुलेटरी कमीशन। जो कानून बनाया गया था निजी स्कूलों को लेकर 1997 में, उस कानून के अंदर फीसों के संचालन के संदर्भ में कोई बात नहीं है। और निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों से फीस वसूली के नाम पर की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर भी रोक लगाई जाए। साथ ही मंच ने मांग उठाई है कि प्रदेश के निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी तरह के चार्जेस वसूलने पर पूर्णतः रोक लगाई जानी चाहिए। छात्र अभिभावक मंच की ओर से ये प्रदर्शन हमने आज किया है। आप सभी को मालूम है पिछले 2 वर्षों से निजी स्कूलों की मनमानी, लूट और भारी फीसों को लेकर, और जिस तरीके से निजी स्कूल मनमानी करते हैं, मानसिक तौर पर पेरेंट्स की प्रताड़ना करते हैं, और उसके संदर्भ में कोई भी कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, रेगुलेटरी कमीशन नहीं है, इन बातों को लेकर जो है आज का ये प्रदर्शन किया गया है। विधानसभा पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। विधानसभा पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भारी फीसों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इसी विधानसभा सत्र के अंदर जो है एक कानून और एक रेगुलेटरी कमीशन जो है सरकार की ओर से लाया जाना चाहिए, और जो ट्यूशन फीस के अलावा जो तरह तरह के चार्जेस लिए जा रहे हैं उन सभी चार्जेस को जो निरस्त किया जाना चाहिए। हर स्कूल के अंदर विधिवत रूप से पीटीए का गठन होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो भी स्कूल सरकार के आदेशों को नहीं मानता उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र अभिभावक मंच के विजेंद्र मेहरा ने कहा कि ये मामला प्रदेश के करीब 17.5 लाख लोगों से जुड़ा है, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर कोई भी कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी बजट में सरकार को कानून लाना चाहिए। आज पंचायत भवन से रैली निकल कर जो है विधानसभा आई है, और विधानसभा में ये प्रदर्शन हमने करके सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इसी बजट सत्र के अंदर सरकार को निश्चित तौर से कानून लाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर 3415 निजी स्कूल काम कर रहे हैं। इन 3415 निजी स्कूलों में लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन से 6.5 लाख विद्यार्थियों के लगभग 10 लाख अभिभावक हैं, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 17 लाख लोगों के जीवन से ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। कोरोना में हमने क्या देखा कि कोरोना के समय में जब लोगों का रोज़गार चला गया, उस वक्त में भी निजी स्कूलों ने पूरी मनमानी की, लूट की, फीस माफ़ नहीं की। सरकार की अधिसूचना जारी करने के बावजूद, हिमाचल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद, ये निजी स्कूल जो बिल्कुल मुकर गए, और जो ट्यूशन फीस के अलावा तरह तरह के चार्जेस थे, एनुअल चार्जेस या दूसरे चार्जेस थे, वो सारे के सारे चार्जेस जो हैं इन्होंने बखूबी लिए। तो एक बड़ा बोझ जो है आज भी पेरेंट्स पर डाला जा रहा है निजी स्कूलों की ओर से, और लगातार एक तानाशाही जो निजी स्कूलों की रहती है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री, दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
लेटेस्ट खबरों के लिए यही देखते रहिए द रीड टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।